हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हर गार्डनर ज़रूर से फेस कर। तो आज का हमारा टॉपिक है होममेड नेचुरल पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, जो कि इक्वली इफेक्टिव है एवरी टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, एफिड्स, मिलीबग्स, वाइट फ्लाइज, स्केल इंसेक्ट्स एंड मैनी मोर। ये नेचुरल पेस्टिसाइड है और ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बना है, गार्लिक, सोप सॉल्यूशन और वेजिटेबल ऑयल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आप जो देख रहे हैं ये मेरा हिबिस्कस प्लांट है जो कि हाईली इन्फेक्टेड है मिलीबग से। मेरा सेकेंड फ्लावरिंग प्लांट है जो कि हाईली इन्फेक्टेड है ब्लैक एफिड से। थर्ड पिक का आप देख रहे हैं ग्वावा प्लांट का, जो कि हाईली इन्फेक्टेड है व्हाइट फ्लाइज या व्हाइट इंसेक्ट। दीज आर स्पाइडर माइट्स और ये प्लांट स्केली इंसेक्ट से इन्फेक्टेड है। तो हमें पेस्ट कंट्रोल करने के लिए मार्केट से पेस्टिसाइड लेके नहीं आना है जो कि बहुत हार्मफुल है। हम पेस्टिसाइड अपने किचन प्रोडक्ट से बना सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये जो पेस्टिसाइड है इसमें हम ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे, गार्लिक, लिक्विड सोप और घर में यूज़ होने वाले कोई भी वेजिटेबल ऑयल। मैंने गार्लिक को अच्छे से पील करके इसे ग्राइंड कर लिया है। गार्लिक हमारा पेस्ट रेपेलेंट की तरह वर्क करेगा। गार्लिक में अप्रॉक्सीमेटली 33 टाइप्स ऑफ सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और सेवरल एंजाइम्स और 17 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट है, जो कि नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट का काम करेगा और ये हमारे प्लांट्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल फ्यूचर इन्फेस्टेशन से भी प्रोटेक्ट करेगा। मैंने इसे रफली ग्राइंड किया है, आप चाहे तो इसे अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। इसे हम एक बड़े से पैन में लेके इसमें हमें 1 लीटर ऑफ वाटर ऐड करना है और इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट रख के भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से कूल करके हमें स्ट्रेन कर लेना है। हम इसमें 2 टेबलस्पून सोप सॉल्यूशन ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। इसमें जो सोप है वो बग्स को किल करता है और ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है, और वेजिटेबल ऑयल ये सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स के अराउंड एक लेयर बना देता है जिससे ये सफोकेट हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। आप ये होममेड स्प्रे फ्रिज में रख सकते हैं और एवरी 3 डेज को स्प्रे कर सकते हैं जब तक कि हमारे प्लांट में से सारे बग्स एलिमिनेट ना हो जाए। तो ये था बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और इफ़ेक्टिव मैथड जिससे हम पेस्ट कंट्रोल बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। आप भी इसे घर बैठे इजीली ट्राई कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को पेस्ट फ्री रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।